अभी हम यहाँ से एंटर होंगे एंड ये जो है वो आता है डाइनिंग हॉल। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारा सामान जो है वो समेटने वाला है, तो अभी कुछ दिन में जब घर सेट हो जाएगा सही तरीके से तो फिर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट होम टूर भी दूंगी। तो ये है ड्राइंग रूम, इसमें भी काफ़ी सारा सामान हुआ है जो अभी तक हमने जो है अनपैक नहीं किया है, अनबॉक्स नहीं किया है, तो कुछ दिन बाद हम लोगों ने सारा सेट करना है, काफ़ी टाइम लगेगा तो हम लोग करेंगे कुछ दिन बाद। और ये जो है ये सोफ़े थे, हमने सोफ़ा कम बेड कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसे सोफ़ा है जो बेड भी बन सकते हैं, तो हमने इस तरह के दो लिए थे। ये टेबल है और ये टीवी, और यहाँ से एक गेट है, मतलब पार्किंग लॉट में जाने के लिए भी वहाँ से गेट है। तो जैसे कि अब आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, अभी मैं आप लोगों को वॉशरूम दिखा देती हूँ। लाइट ऑन कर देते हैं, तो वॉशरूम कुछ इस तरह के। मुझे ये ड्राइंग रूम का वॉशरूम सबसे अच्छा लगा, इसमें WC है, कमोड नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया ड्राइंग रूम, तो अभी हम लोग चलेंगे किचन में। तो यहाँ फ्रिज पड़ा है, और ये फ्रिज हमारा नहीं है, हमारा जो है वो ईद के बाद आना है, एक दो दिन में आ जाएगा। तो ये है, हमें अभी ऐसे ही दिया है, और इसके साथ है हमारे पास वॉशिंग मशीन भी हमने लिया है, और ये वो इस आयरन टेबल है जिसपे कपड़े वगैरह इससे ही करेंगे। एंड अब हम जाते हैं किचन में। तो यहाँ से है किचन की एंट्रेंस, और इस तरह से है पूरा किचन। अभी अम्मा खाना पका रही थी तो मैसी हो गया सारा किचन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉर्स थे, और मतलब मुझे इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा घर का, और स्पेशली किचन, मुझे किचन सबसे प्यारा लगा था। पहले हमें लगा था हमारे पास ना सामान होगा नहीं, बट अब तो रखने की जगह ही नहीं मिल रही है कहीं। तो ये था किचन, और अब हम लोग चलते हैं मम्मा पापा के रूम में। तो यहाँ पे आता है बेड, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स, और इस तरह से यहाँ पे एक शेल्फ बना हुआ है, शेल्फ भी काफ़ी मैसी है। और यहाँ पे फिर आता है वॉशरूम इस तरह से। मुझे वॉशरूम भी काफ़ी पसंद है, बट मुझे अपना वाला इतना नहीं है सही लगा, बट मुझे ये ड्राइंग रूम का और ये वाला वॉशरूम सबसे अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे आती है ड्रेसिंग, और यहाँ पे जो है सारे जो हैं क्लॉजेट्स बने हुए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सही से नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर के ऊपर हैं, और यहाँ पे दो साइड्स पे बीच में ड्रेसिंग, एंड नीचे भी कुछ ड्रॉर्स हैं। तो अभी हम लोग जो है बाहर बैल्कनी में चलते हैं जहाँ पे है हमारी वॉशिंग मशीन। तो कुछ इस तरह की है हमारी बैल्कनी, गैलरी कुछ भी कह लें। और ये है हमारी वॉशिंग मशीन, जो वैसे ही हमने ली है कुछ दिन के लिए, बिकॉज हमारी वॉशिंग मशीन और फ्रिज जो है वो तो ईद के बाद आएंगे। दरअसल वो ना स्टॉक से ख़त्म हो गए थे, तो स्टॉक फुल हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आपका जो सामान है वो आपको ईद के बाद मिल जाएगा। तो हमने बोला ओके, तो उन्होंने हमें दे दिया ये वाला फ्रिज। तो अब तो आप लोगों ने देख लिया है मॉम डैड का रूम, अब चलते हैं मेरे रूम में। तो इसकी सीलिंग कुछ इस तरह की है। तो ये रूम आप लोगों ने देख लिया, तो आप चलते हैं मेरे रूम में।
तो यहाँ है बुक शेल्फ और पिछले रूम की तरह ही बराबर में है यहाँ पे क्लॉजेट्स, अलमीराज, अलमारी जो कहना कहना। तो यहाँ ऊपर है, यहाँ तीन जो है इस जगह पे हैं एंड तीन नीचे भी हैं, लेकिन फन फैक्ट ये दोनों इस तरह से पूरी, और ये जो है वो सिंगल है। तो यहाँ है विंडो जो बाहर गली को फेस करती है एंड ये है वॉशरूम। तो लाइट ऑन कर देते हैं एंड कुछ इस तरह से है वॉशरूम। तो एक दफ़ा फिर दिखा दूँ मैं। तो इसकी सीलिंग कुछ इस तरह से है। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में। तो यहाँ से कि ये है किचन की एंट्रेंस और इस तरह से है किचन, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी अम्मा खाना बनाई थी तो किचन जो है वो थोड़ा मैसी हो हुआ है। तो यहाँ से आते हैं ऊपर के ड्रॉर्स, चिमनी और ये सारे जो ड्रॉर्स हैं, और ये जो ड्रॉर है इसमें जो बर्तन आप धोते हैं उसके लिए स्टैंड लगा हुआ है कि बर्तन धो के आप लोग जो है वो ऊपर ही रख सकते हैं। एंड यहाँ नीचे भी काफ़ी स्पेस है, ड्रॉर्स बने हुए हैं, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो यू कैन यूज़ देम। तो किचन की फाइनल, तो ये है किचन की फाइनल लुक और इसकी सीलिंग कुछ इस तरह की है। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा नया घर, और आप लोगों को अगर घर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आई एम सॉरी कि घर थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ था, लेकिन आई प्रॉमिस जब भी सारी चीज़ें जो है वो सेट रहेंगी देन मैं आप लोगों को एक कम्प्लीट होम टूर दूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।